और एक बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की गोलीबारी में एक अफसर और दो जवान शहीद हो गए हैं, ये खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एलओसी पर सेना का गश्ती दल पेट्रोलिंग कर रहा था, इसी दौरान केरी इलाके में पाकिस्तान ने सीजफायर तोड़ा और गोलीबारी में भारतीय सेना के एक अफसर और दो जवान शहीद हो गए हैं जबकि एक जवान जख्मी हुए। तो पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा, एक बार फिर से सीजफायर का उल्लंघन किया गया। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की गोलीबारी में एक अफसर और दो जवान शहीद हो गए हैं। बताया जा रहा है कि पेट्रोलिंग चल रही थी एलओसी पर, सेना का गश्ती दल पेट्रोलिंग पर था, इसी दौरान केरी इलाके में पाकिस्तान ने सीजफायर तोड़ा, संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया और गोलीबारी की गई वहां पर और गश्ती दल पर फायरिंग हुई। जी न्यूज संवाददाता कृष्ण मोहन मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्ण मोहन, तीन बताया जा रहा है, दो जवान और एक अफसर शहीद हुए हैं इस गोलीबारी में जो सीजफायर का उल्लंघन किया गया पाकिस्तान की तरफ से। तकरीबन 12:15 बजे की यह घटना है, अभी जो शुरुआती खबरें मिली है, राजौरी इलाके में ये घटना हुई है। केरी बटालियन कहलाती है जो वहां तैनात है, और दोपहर 12:15 बजे के करीब फायरिंग हुई है सीमा पार से और उसमें एक अफसर और दो जवान शहीद हो गए हैं, एक जवान जख्मी बताया जा रहा है। बाकी खबरों की अभी प्रतीक्षा की जा रही है कि आगे इसमें क्या हुआ, पर जो शुरुआती बात आ रही है उसमें यह आ रहा है कि पहले एक माइन का लैंडमाइन का विस्फोट हुआ है और उसके बाद पाकिस्तानियों ने फायरिंग की है, बहुत तगड़ी हैवी हथियार भारी हथियारों से फायरिंग की जी। और उसमें इस अफसर की शहादत हुई है, दो जवानों की भी शहादत हुई। अमन, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे। सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया, गोलीबारी में भारतीय सेना के एक अफसर और दो जवान शहीद हो गए।